नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। वीडियो की शुरुआत में एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये वीडियो एंड तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको किसी समय ऐसा लगे कि वीडियो स्लो चल रही है तो आप बेशक 1.5x कर लीजिएगा, बट ये वीडियो पूरी देखिएगा। मैं ये इस तरीके के वर्ड्स वीडियो में कभी बोलता नहीं हूँ, जिस वीडियो में बोलता हूँ उसमें डेफिनेटली मैं कुछ और इंटरेस्टिंग शेयर कर रहा होता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ। अब इस वीडियो में मैं क्या बात करने वाला हूं पहले वो बताना चाहूंगा। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं, अगर बाजार क्रैश होता है तो आपको कौन से सेक्टर से कौन से स्टॉक एवरेज करने हैं, बाय करने हैं, खरीदने हैं, और बाजार क्रैश होता है तो कौन से स्टॉक्स बड़ी बुरी तरीके से टूट सकते हैं, और आपको बाजार की गिरावट में मस्ट एड स्टॉक्स जो करने ही करने हैं, मतलब दो राय आपके दिमाग में होनी नहीं चाहिए, लेकिन इन स्टॉक्स को खरीदने से पहले पूरी की पूरी प्लानिंग कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम एक एक करके स्टॉक्स को डिस्कस करना। पहले मैं आपको वो स्टॉक्स बताता हूं जो हमें गिरावट में ऐड करने हैं। पहली बात तो ये गिरावट वाली बात कहां से आई, देखो बात कहीं से नहीं आई है। मार्केट में टेंशन का माहौल है, इसराइल और ईरान के बीच में भी है, बांग्लादेश में भी माहौल बिगड़ रहा है। खैर उससे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत पड़ता है, लेकिन पड़ता है। आपके लिए ग्लोबल टेंशन्स बढ़ रही हैं, अमेरिका में इलेक्शंस हैं, कहीं से कुछ भी नेगेटिव आ रहा है तो आप देख रहे हो किस हिसाब से टूट रहा है। बड़े लंबे समय बाद एक अच्छा फॉल देखने को मिला 1000 पॉइंट का, और उस 1000 पॉइंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉल में ये थी कि मार्केट में थोड़ा इन्वेस्टर कहीं ना कहीं कॉशियस साइड पे पहली बार आया है। अदरवाइज क्या होता है, सेम डे टूट के रिकवर कर जाते हैं। इस बार मार्केट रिकवर कर रहा है लेकिन स्टॉक्स नहीं कर रहे हैं, तो आपको ना पहले तो जल्दबाजी नहीं करनी है। बिल्कुल 4 साल में कोई बड़ा करेक्शन नहीं आया बाजार में, तो जल्दबाजी से मेरा मतलब है ऐसा नहीं कि 500 पॉइंट टूटा आपने सारा पैसा ही लगा दिया, फिर पता चले बड़ी गिरावट होगी तो पैसा ही नहीं बचा लगाने को, ऐसा मत कर देना। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बताना चाहूंगा। 23,800 निफ्टी ने अगर तोड़ा तो आप ये मान लो 23,400 से पहले मैंने पैसा ही नहीं लगाना मार्केट में, यानी ये 400 पॉइंट तो सीधा फॉल आएगा। 23,400 से 500 के बीच में हमें चेक करना है कि क्या कर रहा है बाजार। गलती से 23,350 के नीचे क्लोजिंग आ गई, एडिशनल 400-500 पॉइंट चला जाएगा। तो आपको दो दो दिन, एक एक दिन वेट करके आराम से देखना है, लग रहा है रुक रहा है थोड़ा डालिए, फिर वेट कीजिए, फिर डालिए, ऊपर जा रहा है तो ब्रेकआउट वाले लेवल्स पे डालना, ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब मैं डायरेक्टली स्टॉक्स के नाम और सेक्टर्स के नाम बता रहा हूं। देखो जो हमें गिरावट में लेने हैं उसके पीछे रीजन देता हूं क्यों। इनकी अर्निंग्स अच्छी है, ये कोई महंगे नहीं है, भागे हुए नहीं है, और आगे आउटलुक अच्छा दिख रहा है। तो मैंने सेक्टर चुना है टेक्सटाइल। हाँ, ग्लोबल चिंता बढ़ेगी तो टेक्सटाइल पे डेंट पड़ सकता है, अर्निंग्स में खराब आ रही है, अर्निंग इस क्वार्टर की खराब हुई है, वरना Q4 तक सब अच्छा हो रहा था, Q1 में अचानक से नेगेटिविटी आई है, तो एक आध क्वार्टर और टूट जाए तो हमें इनको ऐड के बारे में सोचना है, क्योंकि ये चले नहीं है बड़े लंबे समय से, 2021 की रैली के बाद नहीं चले हैं। केमिकल्स देने लगे हैं मूव, रिजल्ट सुपर आ रहे हैं तो इन पे तो फोकस करना ही करना है। FMCG, घरेलू इकोनॉमी कंडीशंस स्टिल स्ट्रांग, और रूरल क्षेत्र में डिमांड बढ़ रही है तो FMCG को तो हमें बिल्कुल रडार पे रखना है। एंड फोर्थ है आपका इंफ्रा। देखो देश तो ग्रो कर रहा है, सरकार कह रही है 2047 तक विकसित देश बना देना है, तो इंफ्रा से जुड़े हुए स्टॉक्स हम कैसे छोड़ दें। और पांचवा हमारा है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स। नो डाउट अगर अर्थव्यवस्था को आगे चलकर बढ़ना है, जो बढ़ेगी, तो फिर बैंक में पैसा तो आएगा ही आएगा। अब बढ़ते हैं स्टॉक्स की तरफ। तो टेक्सटाइल से मैंने कुछ सदाबहार लिखे हैं, किनको आप गिरावट में ऐड कीजिएगा अगर गिरते हैं तो। KPR मिल्स, वर्धमान टेक्सटाइल, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड, एंड आप यही तीन ऐड करें, बाकी बहुत बड़ी लिस्ट बन जाती क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है ये। अब मैं क्या क्या बोलता, नहार नितिन, तो वो मैंने छोड़ दिया। फिर अंबिका कॉटन, बहुत कुछ पसंद आता है बट ले तो कुछ ही सकते हैं, पैसा तो लिमिटेड ही है सबके पास। केमिकल्स में SRF, दीपक नाइट्राइट, बालाजी अमाइंस, आरती इंडस्ट्रीज। गिरावट में दोस्तों ऐसा नहीं कल खुलते ही, और अगर बाजार नहीं टूटा तो ये सारी वीडियो ही खराब हो जाएगी, ठीक है। तो आप सिर्फ नॉलेज पर्पस से ले लिया, फ्यूचर में आप लिख लीजिए, कभी फ्यूचर में मिलेंगे तब लेंगे, अभी के लिए आप सिर्फ इसे जानकारी पर्पस से समझो। FMCG में हिंदुस्तान यूनिलीवर, पतंजलि फूड्स, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज।
बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक एनबीएफसी से मैंने बजाज फाइनेंस चुना है, जो बड़े लंबे समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उनसे पूछो जिन्होंने इसमें बहुत बड़ा मोटा पैसा बनाया है, जब भागता है तो पकड़ नहीं आता। अब आते हैं कि अवॉइड क्या करना है। देखो 23,800 टूटेगा ना तो कहां पे सबसे बड़ी गिरावट होगी, गिरावट मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करूंगा, क्योंकि जो बहुत तेज टूट सकते हैं वो बाजार की रिकवरी में बहुत तेज भाग भी सकते हैं, इसलिए मैंने नाम नहीं लिखा, आप खुद जज करो। मैंने नाम इसलिए नहीं लिखा कि अगर गिरे, आपने बेच दिए गिरावट में और बाजार रिकवर हुआ तो अगले दिन ही 10% ऊपर, आपको कि भाई मरवा दिया तूने तो यार, इसलिए मैंने स्टॉक के नाम नहीं लिखे। अब आपको खुद रिसर्च करनी है, खुद डिसीजन लेना है। हाई वैल्यूएशन कैसे चेक करने है, पीई मल्टीपल से। आपके स्टॉक का मल्टीपल अगर 80 से अबव है तो थोड़ा अलर्ट रहिए, आपका स्टॉक 60 के पीई से ऊपर ट्रेड कर रहा है तो मीडियम अलर्ट रहिए, अगर आपका स्टॉक मोर देन 85 ट्रेड कर रहा है पीई वैल्यूएशंस की बात करूं तो भैया बिग अलर्ट है आपके लिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है ना सारे वैल्यूएशन ऊपर है तो फिर सारी खराब हो गए, कुछ स्टॉक्स में ग्रोथ होती है अनलिमिटेड तो उनके वैल्यूएशन महंगे ही होते हैं, जिनका कारोबार सस्टेनेबल है उनके वैल्यूएशन महंगे ही होते हैं। तो आपको इस बीच में क्या करना है, आपको थोड़ा लंबा हिस्ट्री का ट्रैक रिकॉर्ड देखना है कि ये एक्चुअली में कितने वैल्यूएशन पे पहले ट्रेड करता था। मान के चलो पहले कोई स्टॉक पूरा सेक्टर 10, 15 के, 20 के, 25 के, 30 के पीई पे ट्रेड करता था, आज 70, 80 पे ट्रेड कर रहा है तो अलर्ट हो जाओ। अगर मैं पीएसयू स्टॉक्स की बात करूं, ये गेल, भेल और आपका ओएनजीसी, बीईएल नहीं, ये आईओसी वगैरह, ये 5, 3, 3, 4, 4, 10, 10 की पीई पे ट्रेड करते थे, एनटीपीसी, पावर ग्रिड वगैरह, अगर इनमें से कोई 30, 25 पे ट्रेड कर रहा है तो उसमें अलर्ट रहिए, अभी इनमें से तो कोई नहीं कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से। और दूसरा आपको पैरामीटर चेक करना है, जो भी स्टॉक है उसकी अर्निंग्स घट रही है और शेयर बढ़ रहा है तो थोड़ा सावधान रहना। अब आ जाता हूं मैं मस्ट ऐड, इनमें थोड़ा दिमाग लगाना है दोस्तों, ये सारे स्टॉक है शेयर बाजार से जुड़े हुए, जो कि आपको पता है धीरे धीरे लोग बाजार में उतरेंगे, लेकिन जब बाजार टूटता है तो बाजार छोड़ के जाते हैं, तो आपको अपना दिमाग सिर्फ इतना लगाना है अभी बाजार गिर रहा है मेरे को गिरावट में नहीं लगाना, गिरने दो, मेरे को दिख रहा है कि गिर रहा है तो डेफिनेटली लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे होंगे बाजार, जब नतीजे आएंगे तो वो इंपैक्ट आएगा उनके नंबर्स पे, वो फिर टूटेंगे और फिर मुझे लेना है, इतना आपने इसमें अपना दिमाग लगाना है। अब स्टॉक सुनिए, सीडीएसएल उठाना ही उठाना है, डेपोजिटरी है, मोनोपोली है, बीएससी उठाना ही उठाना है, एक्सचेंज है, मोनोपोली है, मोनोपोली इसलिए क्योंकि एनएससी भी लिस्टेड नहीं है। म्यूचुअल फंड में कैम्स रिडिम्पशन आने लगेंगे जैसे ही मार्केट गिरेगा, मैं बता रहा हूं, भारत कितना भी समझा लो कि गिरावट में लेना है लेना है, 10 में से 5 लोग छोड़ के भागते ही भागते हैं, तो कैम्स जो मोनोपोली है केफिनटेक के साथ मिलकर इन्होंने जो म्यूचुअल फंड सेंट्रल बना रखा है, तो ये दोनों स्टॉक गिरावट में उठाने हैं, केफिनटेक और कैम्स। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरे को लगता है भारत की बैंक, डेफिनेटली सबसे बड़ी सरकारी बैंक जिसको उठाना चाहिए आपको, बहुत दमदार बैंक है, तो ये भी मस्ट ऐड में मैंने ऐड कर दिया। फिर मैंने एक ग्रुप लिखा है ब्रोकिंग इंडस्ट्री का, आपकी मर्जी है कोई भी उठा लेना, कोई भी से मतलब रिसर्च करके लेना, लेकिन मैंने कुछ स्टॉक्स भी लिखे हैं, एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, शेयर इंडिया, चॉइस इंटरनेशनल, इनमें ये मेरे को थोड़े सही लगते हैं, बाकी आप और रिसर्च करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें आई थिंक चॉइस इंटरनेशनल के वैल्यूएशन भी शायद थोड़े महंगे हैं क्योंकि उसमें म्यूचुअल फंड का कारोबार भी है, तो वो जरूर आप जस्टिफाई कर लेना एक बार। फिर मैंने वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड कंपनियां लिखी हैं, आनंद राठी, 361 वेल्थ एंड न्यूवामा वेल्थ मैनेजमेंट, इन स्टॉक्स पे आपको जरूर ध्यान देना है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल वीडियो दी है, होप आपको सारी चीजें, सारे सवालों के जवाब मिल पाए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।